भारत के राज्यों में ठंड खत्म होने लगी है। पहाड़ी इलाकों में भले ही थोड़ी बहुत सर्दी अभी हो, लेकिन मैदानी इलाकों में दिन पर दिन तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मध्य भारत में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 10 फरवरी से 14 फरवरी यानी कि 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है, जबकि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये तापमान 8 से 12 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान के सीकर में सबसे कम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा हिमाचल और पंजाब में शीतलहर चलने का अलर्ट है। मौसम विभाग की माने तो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और ओडिशा में 11 और 12 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा मध्य भारत में मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 10 से 14 फरवरी, मध्य महाराष्ट्र में 10 और 11 फरवरी, मराठवाड़ा में 9 और 11 फरवरी, यूपी, बिहार, झारखंड में 12 से 14 फरवरी, गंगे, पश्चिम बंगाल में 13-14 फरवरी को बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी को आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में 9 और 10 फरवरी, तेलंगाना में 10 और 11, केरल में 14 फरवरी को हल्की बारिश होने जा रही है। उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की यहां पे बात की जाए तो दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 1 डिग्री कम है। IMD यानी कि हम मौसम विभाग की बात करें तो उनके आंकड़ों के अनुसार आसमान साफ रहने और दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सतही हवा चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालांकि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।